क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आती हैं जिन्हें किसी भी इंट्रो की जरूरत नहीं है। वो बॉलीवुड के एक्ट्रेस की लिस्ट में हैं जिनका बस फिल्म में दिखना ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी है। ये एक्ट्रेस जितना अपनी फिल्मों में बिंदास दिखती हैं, उतनी ही बिंदास वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी रहती हैं। उन्हें किसी भी बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने की कोई चाह नहीं है। वो खुद के दम पर कोई भी फिल्म चला सकती हैं। कंगना किसी भी सेलेब से पंगा लेने में कभी पीछे नहीं रहती हैं और जो बात उनको गलत लगती है उसके बारे में वो खुलकर बोलती हैं। बता दें कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन एक ऐसा स्टार भी था जिसने बॉलीवुड की क्वीन के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया था और वो और कोई नहीं बल्कि इरफान खान थे, जिनकी एक्टिंग का लोहा सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड भी मानता था। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों इरफान खान ने कंगना के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। मगर इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करें। इरफान खान बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के भी बड़े स्टार थे। आज वो बेशक हमारे बीच ना हो लेकिन फिर भी उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा हैं। और एक बार मणिकर्णिका एक्ट्रेस ने इरफान खान से उनके साथ काम करने के लिए पूछा था। इस पर इरफान ने जवाब देते हुए कहा था कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रहेंगी, जिस बात से कंगना काफी खुश हुई थी। बता दी कि कंगना ने ये बात तनु वेड्स मनु की रिलीज के दौरान बताई थी। थलाइवी एक्ट्रेस ने कहा था कि उनके लिए किसी कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं था और वो इरफान के साथ काम करना काफी पसंद करेंगी। उन्होंने कहा कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इरफान खान उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो उनके कंपेटिटर हैं। बता दी कि एक्ट्रेस इस दौरान काफी खुश थी क्योंकि जिनकी वो फैन है उन्होंने ही उनके लिए ऐसा कहा था। कंगना ने आगे कहा था कि एक्ट्रेस उनके बारे में ऐसा कहते हैं और वो उनके मुंह पर ये बात कहकर जाते हैं कि वो उनके साथ काम करने से डरते हैं। लोग ये मानते हैं कि अगर वो फिल्म करने के लिए तैयार हो गईं, तो उनका रोल बेहतरीन ढंग से लिखा जाएगा जिससे कि मेल एक्टर उनके काम से इनसिक्योर हो सकते हैं। कंगना ने मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और सैफ अली खान को लेकर कहा था कि ये इंडस्ट्री सिर्फ चार खानों की वजह से नहीं चलती है। बता दें कि यहाँ पर एक्ट्रेस ने मेल फीमेल एक्टर्स के पे स्केल को लेकर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि उनके पीछे 30 साल नहीं है लेकिन उन्होंने अपने 10 सालों में एक सर्टेन फी डिमांड करने के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। तो इस वजह से इरफान खान ने कंगना रनौत के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वहीं अगर आप बात करें एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड के बारे में तो एक्ट्रेस अपनी कई अपकमिंग मूवीज में जल्दी नजर आएंगी, जिसे देखने के लिए एक्ट्रेस के फैंस काफी एक्साइटेड हैं और वह इन दिनों कई स्क्रिप्ट्स को भी पढ़ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी फिल्मी कॉन्टेंट के साथ। टिल देन गुड बाय।